मेथड करेंगे पहले। जिसको नहीं समझ, नहीं समझ में आया, शांति से सुनो, आ जाएगा समझ में, है ना। एक लाइन ड्रा करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टू से डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे, टू से। तो टू से तभी डिवाइड करेंगे जब इसमें किसी न किसी एक टेबल में, किसी न किसी के टेबल में क्या दिए गए नंबर आना चाहिए। तो टू के टेबल में सिक्स आता है ना, हाँ सर, तो यहाँ टू से लिखना। तो ये सिक्स है, अब टू का टेबल पढ़ो सिक्स, कितने टाइम में, पीरियड टाइम में। फिर टू का टेबल पढ़ो सिक्स, ट्वेल्व, कितने टाइम में, टू सिक्स ट्वेल्व, तो सिक्स लिखना। शांति से सुनो, उसके बाद इंडिविजुअली सारे बच्चे से पूछेंगे एक क्वेश्चन, उसके बाद ये टॉपिक आपको फिनिश कर देंगे, है ना। पहले वो अभी समझा देते, शांति से सुनना, 10 मिनट लिखना नहीं है, मन से सुनना। फिर टू का टेबल पढ़ेंगे टेन, कितने टाइम, टू फाइव, मैं शांत रघुवंशी का, टू का टेबल पढ़ेंगे टेन, कितने टाइम में, फाइव टाइम में। टू का टेबल पढ़ेंगे फिफ्टीन, नहीं आता टू का, टू वन जा टू, टू टू जा टू, फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जाइए, टू जा टेन, फोर्टीन, सिक्सटीन, फिफ्टीन नहीं आता है। तो जो नहीं आएगा उसको वही डिजिट लिख देना, फिफ्टीन है, फिफ्टीन लिख दी। फिर देखो इसमें से कोई नंबर है जो दो के टेबल में आ जाता है, हाँ सर, ये वो सिक्स है सर। ये तो बहुत इजी है, वो समझ में आ गया। अच्छा था, शांति से सुने, पहले इधर उधर नहीं लिखना, लुक पे लिखो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, डोंट राइट एनीथिंग बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली, आफ्टर देन यू हैव टू राइट डाउन। नेक्स्ट बाबू, फिर हम लोग देखेंगे इसमें कोई ऐसा नंबर है सर जो दो के टेबल में आता है, हाँ सर, सिक्स आता है, तो दो के टेबल में सिक्स आता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग दो लिखेंगे। अब दो के टेबल में थ्री आता है, नहीं आता, तो नहीं आएगा, तो जो नंबर रहेगा वही लिख देना, ठीक साक्षी। दो के टेबल में सिक्स आता है, हाँ आता है, कितना बार में, टू थ्री जा सिक्स होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, थ्री लिखेंगे। टू के टेबल में फाइव आता है, दुर्गा जी, नहीं आता है, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स होता है, तो नहीं आता, तो फाइव ही लिखना। टू के टेबल में फिफ्टीन आता है, नहीं आता, नहीं आता, तो फिफ्टीन लिखना। फिर एक लाइन ड्रा करो, फिर देखो कोई ऐसा यहाँ पे नंबर है जिसके टेबल में ये सब, मैंने टू के टेबल में कोई आ जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर ऐसा है, अच्छा था सांद्रा था, नहीं सर, नहीं है। अच्छा सांद्रा ने, यहाँ कोई ऐसा नंबर है बाबू जो दो के टेबल वाला प्रेजेंट है, नहीं है, दो के टेबल में न थ्री आता, न फाइव आता, न फिफ्टीन आता, अब दो वाला टेबल वाला नहीं प्रेजेंट है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग दो के आगे बढ़ेंगे थ्री में, अब हम लोग क्या बढ़ेंगे, टू के आगे थ्री में बढ़ेंगे। तो फिर देखेंगे थ्री के टेबल में कोई नंबर है, हाँ सर, थ्री के टेबल में थ्री भी आता है, थ्री भी आता है, ये फिफ्टीन भी आता है, तो फिर यहाँ थ्री लिखेंगे। फिर क्या सोचना है, थ्री के टेबल में थ्री कितना बार में, वन टाइम, थ्री वन जा थ्री, वन टाइम है, तो यहाँ वन लिखना। थ्री का टेबल पढ़ो थ्री कितने बार में, एक बार में, तो यहाँ वन लिखना। थ्री का टेबल पढ़ो फाइव, नहीं आता फाइव, तो नहीं आएगा, तो वही लिख देना। थ्री का टेबल पढ़ो फिफ्टीन, आता है, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो फाइव हो गया। फिर सोचना कोई ऐसा यहाँ नंबर है जो थ्री के टेबल में आता है, तो थ्री के टेबल वाला कोई नंबर है, मैं वीडियो ऑन कर बाबू, इससे तो परेशानी, दोनों भाई बहन से परेशान करके रख दिया, मयंक दोनों भाई बहन बाबू परेशान करके रख दिए हो, यहाँ पे कोई नंबर है बाबू जो थ्री के टेबल में आएगा, नहीं आता, थ्री के टेबल में फाइव ही ना दूंगा, फाइव फाइव नहीं करेगा, तो फिर हम लोग थ्री के आगे कौन सा नंबर सोचेंगे, फोर वाला सोचेंगे, तब फोर के बाबू यहाँ कोई नंबर है जो फोर के टेबल में आएगा, नहीं सर, शांत रहो, नहीं है, तो नहीं है, तो फिर हम लोग आगे सोचेंगे, थ्री के आगे फोर के आगे क्या होगा, फाइव सोचेंगे, कोई यहाँ नंबर है जो फाइव के टेबल में आता, हाँ सर, ये दोनों आता, तो यह वन है तो वन ही लिख देना, वन है तो वन ही लिख देना। अब फाइव के टेबल में फाइव कितने बार में, एक बार में, एक बार में, ठीक, हाँ, हमको तब तक प्रोसेस करते जाना जब तक लास्ट में सारा नंबर क्या हो जाए, वन वन नहीं हो जाए। अब देखो सारा का सारा वन वन हो गया, हाँ हो गया, तो अब रुक जाना, ठीक, रुक गए, उसके बाद क्या करना, एलसीएम लिखना, शांति से समझते हैं। तो इधर जो भी नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर देना, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, ठीक, कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, फोर थ्री जा ट्वेल्व मल्टीप्लाई फाइव,
12 and 5 जा कितना 60। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता। अब हम लोग सेकेंड मेथड से सीखेंगे। क्या कर रहा मैं अभी पूछते आप ही से पूछेंगे नहीं बताओगे ना। अब सेकेंड मेथड अभी नहीं देखेंगे हम लोग, बच्चा है बच्चा की तरफ पढ़ेंगे। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या कहता है सर? नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, हमेशा सबसे बड़का नंबर 6 असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। 6, 12, 10, 15 है तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे पहले छोटका, फिर 10, फिर 12, फिर 15, इस तरह से है ना, ताकि आपको आसान हो गए कैलकुलेशन करने में। अब उसके बाद क्या करना है, सेकेंड मेथड में सबसे बड़का नंबर खोजना है। हम लोग मैक्सिमम जब भी एलसीएम निकालेंगे तो जोर से पकड़ लेंगे, उठ देंगे पकड़ कर, शांति से नहीं सुना जाता बक बक क्या करते। हम लोग जब भी एलसीएम निकालेंगे तो सेकेंडे मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना। इस मेथड का हम लोग बहुत काम यूज करेंगे। जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एलसीएम निकालने के लिए तो इसी मेथड को यूज करेंगे। तो सेकेंड मेथड क्या कहता है, सबसे पहले बड़का नंबर देखेंगे। कौन है बड़का नंबर? 10, 12, 15 में बड़ा नंबर 15 है, ठीक। तो बड़ा नंबर को घेर दो, है ना, ठीक। अब जो नंबर नहीं घेरा हुआ है उसका क्या करना, टेबल पढ़ना। 6 का टेबल में 15 आएगा? नहीं आएगा, नहीं, तो नहीं आएगा। 6 के टेबल में 15 नहीं आता, नहीं आता। एक को अगर नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, तो क्या करना, फिर इसका 15 का अगला टेबल पढ़ना। अगर 6 के टेबल में 15 आ जाता तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ 6 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 15 का अगला टेबल पढ़, 15 2 जा 30, ठीक। फिर देखो 6 के टेबल में 30 आता है, हाँ सर 6 5 जा 30, ठीक। 10 के टेबल में 30 आता है, हाँ सर 10 3 जा 30, और 12 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता, नहीं सर 12 को टेबल में 30 नहीं आता, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, नहीं आया। ये तीनों के टेबल में यहाँ वाला नंबर पे आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर अगला टेबल पढ़ो, 15 2 जा 30, 15 3 जा 44, 45 सर, 45, ठीक। फिर देखो 6 के टेबल में 45 आता है, नहीं आता, 6 6 जा 60, 36 6 7 जा 42, 6 5 8 जा 48, 48 नहीं ना आता है, तो नहीं आता है, तो या 6 के टेबल में नहीं ना आया तो फिर इसका अगला टेबल पढ़ना। किसका अगला, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 30, 35, 45, 15 4 जा 60, 60। बहुत पिटेंगे थर, बकर बकर मत करो जी। अब क्या करना बाबू, फिर से देखना 6 के टेबल में 60, हाँ सर 10 के टेबल में 60, 10 6 जा 60, 12 के टेबल में 60, हाँ सर 12 5 जा 60, यस सर। ये तीनों के टेबल में 60 है ना, आ गया ना, हाँ सर तीनों के टेबल में आ गया 60। तो जब ये तीनों के टेबल में 60 आ जाता तो यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मतलब बाबू एलसीएम कोई कहेगा, एलसीएम ऑफ बाबू 6 का 12 का 10 का आप 15 का निकालने कहेगा, तो कैसे निकालेंगे, 60 निकालेंगे। तो हम लोग इसी मेथड को यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। Now you have to write down, after then I will ask you and individually it है ना question। अब सारे बच्चे से एक एक question पूछेंगे, समझे साक्षी? Yes sir, समझ गई। समझ गया, पहले आप ही से पूछते हैं। सरभ्या लिखे बोली, बैठ के एकदम बैठी हुई बाबू सरभ्या। सर लिखिए। Very good, अब पूछते हैं बारी बारी से। मैं तो लिख के बैठी हूँ। पूछते हैं सर, टेंशन मत लीजिए। सर अभी से लिखे हैं। पहले इसको लिखो, उसके बाद अब एक क्वेश्चन पूछते हैं। पहले 3-4 को देते, सारा बच्चा बनाएगा। कितना बच्चा भी है, 12 बच्चा है, एक उसको छोड़ दो, मैं को वीडियो 11 को है, 11 क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। सारे बनाओ, सारे से एक को पूछेंगे। सर सर पर यहाँ तो 14 बच्चे हैं। एगो शुभ है, दूसरा बेचोला है। मैं वीडियो ऑन करो ना, वो काहे बंद करता जी, इरिटेट करके रख देता।
मयंक अथर्वण करो बाबू, समझ गया अभिनव? यस सर। तो तेज हो जाएगा बाबू। यस सर, जल्दी से तेज बनो सर। सर अभी जो क्वेश्चन देंगे उसमें सेकंड मेथड ही बनाना है? अभी दोनों आपको सीखना है, अभी आप बच्ची हो दोनों सीखना है। जब हम लोग एडिशन पढ़ेंगे तो उसमें सेकंड मेथड दोनों मेथड। हाँ अभी आप बच्चे हो, स्कूल में टीचर कैसे पढ़ाएगा ऐसे करके? सर बस फर्स्ट मेथड। हाँ तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम होता है, इसमें हमारा क्या टाइम सेविंग होता है, तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो लिखो, अब क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट एक एक क्वेश्चन पूछते चलेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 139 से क्या बाबू अभिनव? जहाँ पे एलसीएम लिखी है वो वाला मत मिटाइए। ठीक है जल्दी लिखा। अब सारा बच्चा बनाओ, पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब बीएससी का आपको समझी काव्य, समझी काव्य? यस सर। 3 6 9 2 3 कर दो, 140 नंबर। जल्दी से बनाते चलोगे तो 10 को क्वेश्चन लिख रहे हैं। सर उसके सामने बनाते चले हैं। सर दोनों मेथड सर पहले क्वेश्चन लिख ले। आप लोग बनाओ, पहले क्वेश्चन क्या लिखोगे बाबू? बनाते चलो, क्वेश्चन लिखो, बनाओ क्वेश्चन लिखो, जल्दी से बनाओ। सर दोनों मेथड से बनाना है? हाँ दोनों मेथड से बनाना है। ग्यारह क्वेश्चन लिख रहे हैं। सर आप वो नंबर गलत लिख रहे हैं, 113 होगा, वहां से शुरू होगा। टू से ही सब मल्टीप्लाई होने वाला है। हमने कल कहाँ एंड किया था बाबू दुर्गा जी? सर 130 होगा सर। 130 तो 31 से लिखें। सर 112 सर 139 तक हम लोग ने ऐड किया था कल। सर 113 अच्छा ठीक है तो 112 सर 114 सब लोग लिखते हैं। सर दूसरे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट मेथड में। अभी आपको क्या जैसे पढ़ाए उसे बनाओ बाबू। 150 गलत नंबरिंग की हो दुर्गा जी। मल्टीप्लाई करना है शैतान, 2 से मल्टीप्लाई थोड़ी करना, पहले 2 से देखो तो 2 से होगा, 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से, 3 से नहीं होगा तो फिर 4 से। बाबू हट जाओ ना, आप म्यूट करो जी। अथर्व बाबू म्यूट कर, बहुत ही कॉमेडी करते रहता है, इसको तो अभी भर पेट पिटेंगे। वीडियो ऑन करो अथर्व।
इतना आप लोग पहले करो, जल्दी से करो। श्वेता कैमरा डाउन कीजिए जी। श्वेता बापरे इतना सुन दिल दिया दोनों मेथड से करना बाबू, ये प्रैक्टिस के लिए इतना कर लेंगे ना, तो फिर हम लोग बाबू क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। तो बहुत चाय देते हैं। अच्छा पहले बनाइए ना बाबू। हम लोग बाबू क्या करेंगे, सेकेंड मेथड के ही हम लोग यूज करना, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड स्कूल में वो टाइम वेस्ट वाला होता है, तो फोकस करो सेकेंड मेथड समझने के लिए। कल हम लोग सेकेंड मेथड पे सिर्फ खाली सेकेंड मेथड पे कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, उसी को समझना। फर्स्ट मेथड बाबू स्कूल के पर्पस के लिए बताए, ठीक है ना। स्कूल में टीचर बताए तो उस तरह से इसको इस सारा क्वेश्चन को बना के भेजना है सारा बच्चा को। दुर्गा जी का हो गया, इसमें काव्या का हो गया, सरभ्या का हो गया, मैंने बना के भेज दिया, उत्कर्ष का हो गया, अभिनव अभी भेजा, देखते बाबू ये दोनों बनाना। और सारा बच्चा दो पेज डेली राइटिंग लिख के भेजेगा, सारा बच्चा। साक्षी आपका राइटिंग आया बाबू, भेजिए बाबू। सर मेरा, मैं सर मैं अपना भेज दिया था सर, मैं खरीद लूंगी। हाँ जल्दी इसमें देखो बाबू, सरभ्या का राइटिंग बढ़िया है और सरभ्या से छोटी हमारी दुर्गा जी है। दुर्गा जी का राइटिंग मेरा भी राइटिंग बढ़िया है। दुर्गा जी का राइटिंग देखिएगा, बहुत सुंदर लिखती है। देखो दे भेजते हैं आप लोग का। सर मेरी बहन भी एकदम सेम टू सेम वैसा लिखती है। अच्छी बात है। सर का पढ़ाने में आप, पढ़ने में आपको मन नहीं लगता, खाली वीडियो वीडियो करते। पहले इतना क्वेश्चन बना के भेजिए, तब वीडियो दिखाएंगे। आज आपका होमवर्क भी नहीं आया सरनिया। सरनिया आज आपका होमवर्क भी नहीं आया बाबू, छड़िया पे चढ़ गया सरनिया, ध्यान दीजिएगा। अटेंडेंस पे चढ़ गया बाबू, जिस दिन आएंगे उसी दिन पीटेंगे। उत्कर्ष का देखो दूध छड़ी थी। सर मैं होमवर्क भेज दी थी ना आपका, नहीं सरनिया को कह रहे हैं। सर मेरा नहीं ना, आप अटेंडेंस बना है। नहीं आपका नहीं है, सरनिया का। सरनिया का आज नहीं भेजी है, आज हो गया 29 तारीख। सर अटेंडेंस मेरा कितना स्टिक किए हैं, समझी सरनिया बाबू। आज वाला आप नहीं भेज, कल वाला आप नहीं भेजिए बाबू। आलोक का आज कंप्लेन आया था, उसको आज कूटेंगे। अभी आपका नहीं हुआ, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। उत्कर्ष का कंप्लेन आ जाया, इसका बोले बाबू 28 तारीख को लेट आया, सब लिख ले। एंड हो गया। हाँ भोले, बाय सर। बाय बाबू, आज नहीं भेजोगे सर ने तो बहुत पीटेंगे। बाय सर, सर कर मैं लेट आया था। एक दिन लेट नहीं आया था जी, 28 तारीख को जी। सर 28 मार्च 28 फरवरी चलो ठीक है बाबू, गुड नाइट बाबू।